नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिर से वही सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस करेंगे। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट और ब्रिज में जो ब्रिज टाइप होगा वो कुछ ब्रिज टाइप का कॉम्बिनेशन बनाता होगा, जैसे हम पहले व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर अदर टाइप के ब्रिजेस के बारे में पढ़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर और मिड पॉइंट के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर के अंदर चार थायरिस्टर्स का हमने कॉम्बिनेशन लिया था, P1, N1 और P2, N2 का। लेकिन ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर है उसमें हम चार की जगह पे सीधे डबल कर देंगे, यानी आठ थायरिस्टर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे। वहां पे एक पेयर ऑफ थायरिस्टर्स एक साथ हम कंबाइन करते थे, P1 और N1 को एक साथ, P2 और N2 को एक साथ। यहाँ पे हम चार थायरिस्टर्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, P1, P2, P3, P4 और सिमिलरली N1, N2, N3, N4। वहां जो कंडक्शन होता था बच्चों वो P1 का N2 के साथ होता था और P2 का N1 के साथ होता था। यहाँ जो कंडक्शन होगा वो दो के एक सिंगल थायरिस्टर्स की जगह पे पेयर ऑफ थायरिस्टर्स एक बार होगा, यानी मान लीजिए P1 N1 एक साथ होगा, P2 N2 एक साथ होगा, P3 N3 एक साथ होगा, P4 N4 एक साथ होगा। अभी कॉम्बिनेशन हम डिटेल में समझ के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ फिक्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने P1 P2 P3 P4 बनाया, N1 N2 N3 N4 बनाया, आप भी बनाए। हो सकता है कोई स्टूडेंट P1 P2 P3 P4 लिख दे या P1 P2 P3 P4 लिखे, तो फिर अगर वो रटा रटाया कॉम्बिनेशन याद करेगा कि P1 P2 यहाँ पे एक साथ या P1 N1 यहाँ पे एक साथ, तो माइट भी वो गलती करेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद वेवफॉर्म को डिस्कस करेंगे और साथ में समझेंगे कि कैसे ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर यहाँ पे एज अ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। लोड मैं क्या एज्यूम करूंगा, लोड में रेसिस्टिव एज्यूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे हम इंडक्टिव लोड का भी कॉम्बिनेशन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहां मैंने सप्लाई वोल्टेज VS लगाया और इस VS की वैल्यू मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं। आप जानते होंगे साइनसोडल होगा तो VM साइन ओमेगा टी। यहाँ दो कॉम्बिनेशन ऑफ थायरिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। जो पहला कॉम्बिनेशन है वो पी टाइप के थायरिस्टर्स का मैंने यहाँ पे दिखाया है, P1 P2। आप चाहें तो T1 से T4 और T5 से T8 का कॉम्बिनेशन भी दिखा सकते हैं। पी और P1 P2 P3 P4 के पीछे रीजन ये है बच्चों कि ये जो पी वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, यानी याद रखिएगा पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लिंक थायरिस्टर्स, यानी पॉजिटिव ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली N फॉर नेगेटिव होता है, तो N1, N2, N3 और N4 ये जो कॉम्बिनेशन है इन चारों थायरिस्टर्स का, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चारों थायरिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिंक थायरिस्टर्स, यानी नेगेटिव कॉम्बिनेशन थायरिस्टर्स। सिमिलरली आप चाहें तो इसका भी सेपरेट आप एक डॉटेड डायग्राम बना सकते हैं, यानी जो डॉटेड डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार पेयर ऑफ थायरिस्टर्स के जो कि पॉजिटिव लिंक थायरिस्टर्स कहलाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे इनके कॉम्बिनेशन का। आप कॉम्बिनेशन को देखिएगा तो P1, P2, P3 और P4 ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि चारों पॉजिटिव की डायरेक्शंस में अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो N1, N2, N3, N4 चारों नेगेटिव, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे लोड सैंडविच है, जैसे लोड में रेसिस्टिव लेके चल रहा हूँ तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज में V0 मान लिया और लोड में जो करंट फ्लो होगा उसको I0 मान लिया। मैंने लोड के अपर पॉइंट को A मान लिया, लोअर पॉइंट को मैंने O मान लिया, यानी लोड VAO के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज V0 और लोड AO में जो करंट फ्लो होगा दैट इज I0। अब सप्लाई से जो मैंने वोल्टेज कनेक्ट किया था बच्चों इन दोनों थायरिस्टर्स में, आप देखिएगा जो पोस्ट जो टॉप के जो थार में, यानी जो टॉप का जो ऊपर का कॉम्बिनेशन है वो मेरे P1 P4 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ N4 N1 और N4 के साथ कनेक्टेड है और जो ये बॉटम, यानी इसका जो बॉटम लाइन जो नेगेटिव सर्किट का जो लाइन है वो इसके P3 P2 के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ये N2 और N4 के साथ कनेक्टेड। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव जो लाइन है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए मैंने
इस फर्स्ट और फोर्थ वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और नेगेटिव के लिए मैंने सेकेंड और थर्ड वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और उसी हिसाब से मैंने इसको सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया। सप्लाई वोल्टेज के साथ साथ जो करंट फ्लो होगा सर्किट में उसको मैंने IS बोला। ये IS करंट दो में जाएगा, एक पॉजिटिव लिंक थायरिस्टर्स में जाएगा और एक नेगेटिव लिंक साइक्लो कन्वर्टर में जाएगा थायरिस्टर के कॉम्बिनेशन। तो पॉजिटिव लिंक के लिए मैंने IP बोल दिया और नेगेटिव लिंक के लिए मैं IN रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो मेरा ब्रीज टाइप का जो साइक्लो कन्वर्टर है ये काम कैसे करता है, ये कैसे पेयर ऑफ थायरिस्टर्स को यूज करके हमारे सर्किट के हमारा जो वेवफॉर्म है उसमें टाइम पीरियड को है वो कैसे रिड्यूस कर रहा है और टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के बाद कैसे वो ओवरऑल ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। तो आइए अब हम इस सर्किट डायग्राम को यूज करके इसके वेवफॉर्म को समझते हैं और यहाँ देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ थायरिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिंक कॉम्बिनेशन बताया, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि पॉजिटिव लिंक के थायरिस्टर्स में P1 है, P2 है, P3 और P4 है। सिमिलरली नेगेटिव लिंक के थायरिस्टर्स में बच्चों N1 है, N2 है, N3 है और साथ में N4 है। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लाई वोल्टेज का एक वेवफॉर्म बनाते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज में मैंने पॉजिटिव साइकिल लिया और साथ में इसका मिरर इमेज बना दिया, यानी काइंड ऑफ इनवेलप वेवफॉर्म हमने बना दिया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि सप्लाई वोल्टेज इनवेलप, जो आप ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे, सप्लाई वोल्टेज इनवेलप, क्योंकि इनवेलप का वेवफॉर्म ये बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे ही मैंने पॉजिटिव साइकिल दिया, यानी पॉजिटिव यानी अभी प्लस है और ये माइनस है, यानी पॉजिटिव साइकिल है। और पॉजिटिव साइकिल का रेंज क्या होगा बच्चों, 0 से π तक का रेंज होगा पॉजिटिव साइकिल का। तो यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव साइकिल में कि जैसे वहां पे P1 और N2 काम करते थे, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो इसके पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे देखिएगा ये P पॉजिटिव हो जाएगा और सिमिलरली यानी P1 के साथ साथ इस वाले थायरिस्टर्स के पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन में ये वाला यानी ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख पा रहे होंगे कि पहले P1 P2 फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं और सिमिलरली नेगेटिव रीजन में N रीजन में हम देखेंगे N1 फॉरवर्ड बायस होगा और साथ में N2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो नेगेटिव रीजन में बोल सकता हूँ कि N1 N2 फॉरवर्ड बायस होंगे। अब आप जानते हैं कि एक थायरिस्टर है तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस होना कंडक्शन का रीजन नहीं है, कंडक्शन के लिए हमें गेट के थ्रू फायरिंग करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए, जैसा हमने पिछले मिड पॉइंट में डिस्कशन किया था कि मैंने ω = 0 पे यानी ω t = 0 पे मैंने फायरिंग कर दिया सबसे पहले P1 P2 को, यानी P1 P2 को गेट पल्स दे के मैंने फायरिंग किया। जैसे मैंने फायरिंग किया तो इस रीजन में P1 P2 कंडक्शन स्टार्ट कर गए और N1 N2 अभी फॉरवर्ड बायस है, कंडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो P1 P2 के थ्रू यानी इस P1 और इस P2 के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये P1 से आ रहा है और वापस ही P2 से कंप्लीट हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही मैं ω t1 पे पहुंचूंगा बच्चों यानी इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मैं अब इस P1 P2 को फोर्सली ऑफ कर दूंगा, कम्यूटेट कर दूंगा और यहाँ पे मैं N1 और N2 को साथ में क्या कर दूंगा, टर्न ऑन कर दूंगा। मीन्स मैं कुछ टाइम के लिए ω t1 टाइम के लिए मैं P1 P2 को रखा, कंडक्ट किया, ट्रिगर किया, ऑन किया और ω t1 से ω t2 टाइम के लिए मैं N1 N2 यानी इस N1 और इस N2 को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। अब इस N1 N2 को मैं कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करूंगा बच्चों, ω t2 तक। मीन्स यहाँ से देखिएगा अभी मुझे ये वाला वेवफॉर्म मिला, साथ में ये वेवफॉर्म मिला और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ तक मुझे वेवफॉर्म मिल गया। अब एक साइकिल पूरा करने के लिए मुझे वापस यहाँ पे जाना है, तो देखिए ω t2 पे फिर से मैं P1 P2 को फॉरवर्ड बायस तो थे ही, ट्रिगर कर दिया और N1 N2 को फोर्सली कम्यूटेट कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इस रीजन में देखिए मुझे यहाँ तक मिल गया और ये कंप्लीट बन गया टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल बन गया। आप जैसे यहाँ पे चाहे तो साइकिल ले लें, इसको मैंने लिख दिया T0 और T0 = 1/f0।
जो इस कंप्लीट एक पॉजिटिव और नेगेटिव का जो टाइम पीरियड था दैट इज टी एस, टी एस इक्वल टू था 1/FS। अब बच्चों जैसे ही मैं ओमेगा T3 पे आया हूँ, यहाँ पे मैं P1 P2 को फिर से क्या करूंगा बच्चों, फोर्सली कम्यूटेट कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, और N1 N2 को यहाँ पे मैं वापस फिर से टर्न ऑन कर दूंगा। फिर से ओमेगा T4 पे आऊंगा तो P1 P2 को टर्न ऑन कर दूंगा, और ओमेगा T5 पे आऊंगा तो N1 N2 को टर्न ऑन कर दूंगा। तो एक बार P1 P2 को टर्न ऑन कर रहा हूँ तो N1 N2 को कम्यूटेट कर रहा हूँ, और ये फोर्स्ड कम्यूटेशन होगा। और जब N1 N2 को टर्न ऑन कर रहा हूँ बच्चों, तो मैं P1 P2 को फोर्स कम्यूटेट कर रहा हूँ। अब मैं पॉजिटिव साइकिल से क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव साइकिल पे। जैसे नेगेटिव साइकिल पे आया तो ये माइनस और प्लस पोलैरिटी चेंज हो गई, और नेगेटिव साइकिल पे आते ही मीन्स यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ कौन सा, फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल। और नेगेटिव साइकिल पे आते ही अब आप ही मुझे बताएंगे कि बच्चे कौन कौन से हैं। तो P3 P4 बचा है और N3 N4 बचा है, तो पॉजिटिव रीजन में P3 P4 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और N रीजन में यानी नेगेटिव लिंक में N3 N4 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो आइए अब हम सबसे पहले P3 P4 को टर्न ऑन करते हैं एट ओमेगा इक्वल टू पाई, क्योंकि फॉरवर्ड बायस तो हो ही जाएगा। हमें यहाँ पे P3 और P4 को ट्रिगर करेंगे गेट सिग्नल के थ्रू, तो ये टर्न ऑन हो जाएंगे, कंडक्ट करने लगेंगे। N3 N4 का अभी मैंने गेट ट्रिगरिंग नहीं, फॉरवर्ड बायस है लेकिन ट्रिगरिंग नहीं किया। जैसे ही मैं इस रीजन पे पहुंचूंगा, सो ओमेगा T6 में यहाँ पे आ, ओमेगा T3 T4 T5 T6 ओमेगा यहाँ पे T7 में ले लूं, तो मैं यहाँ पे P3 P4 को फोर्स कम्यूटेट करूंगा, ऑफ करूंगा, और इस रीजन में N3 N4 को टर्न ऑन करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं P3 P4 को टर्न ऑन करूंगा, इस रीजन में N3 N4 को टर्न ऑन करूंगा, यहाँ पे P3 P4 को टर्न ऑन करूंगा, और यहाँ पे N3 N4 को टर्न ऑन करूंगा। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंप्लीट साइकिल को मैंने मल्टीपल साइकिल्स में कन्वर्ट कर दिया। एक टाइम पीरियड ये हो गया, दूसरा टाइम पीरियड ये हो गया, तीसरा टाइम पीरियड ये हो गया। यानी नेगेटिव साइकिल में भी 3 टाइम पीरियड बना और पॉजिटिव साइकिल में भी 3 टाइम पीरियड बना। तो यहाँ पे जो मेरा T0 बना वो कितना, पॉजिटिव में रहा 3 और नेगेटिव में रहा 3, तो जो टाइम पीरियड है वो TS से रिड्यूस हो गया। कितनी बार रिड्यूस हो गया, 1/CX टाइम। तो जो TS है वो 6 × T0 हो गया। तो आप देखिए TS को लिखूंगा 1/FS, तो 6 × 1/F0। तो यहाँ से आप ही बताइए मुझे F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × FS, यानी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आया वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 6 गुना ज्यादा आया, और इसीलिए मैंने इसको बोला स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का बेसिक सर्किट डायग्राम, और उसी के साथ साथ इसका वेवफॉर्म का एनालिसिस है। बस यहाँ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे हायर पावर रेटिंग के लिए हमने सिंगल थायरिस्टर जो हमने यूज किए थे मिड पॉइंट में, यहाँ मल्टीपल थायरिस्टर्स यूज किए हैं। अब हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मिड पॉइंट और ब्रिज में बेटर कौन है, तो बेटर अपने अपने दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने अपने दोनों के फीचर्स हैं। मिड पॉइंट के अंदर सर्किटरी कम है, नंबर ऑफ थायरिस्टर्स कम है, तो स्वाभाविक है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ में लॉसेस भी कम होंगे, एफिशिएंसी हाई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होगी। इसके अंदर नंबर ऑफ थायरिस्टर ज्यादा है तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपस में यहाँ पे सीरीज में थायरिस्टर ऐड हो जाएंगे तो वोल्टेज ज्यादा बियर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नंबर ऑफ थायरिस्टर्स बढ़ने से कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और साथ में ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लॉसेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आई होप आपने सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के अंदर मिड पॉइंट और ब्रिज दोनों टाइप का बेसिक कंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेस और इनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझ लिया होगा। आपने ये भी समझ लिया कि यहाँ पे एज ए साइक्लो कन्वर्टर स्टेप अप कैसे काम कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की बात करेंगे, वो भी होगा सिंगल फेज टू सिंगल फेज। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।